हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स एज व्यू नो कि लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं टू अर्न सम मनी इन स्पेसिफिक एरिया जैसे कि टीचर स्कूल जाते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में काम करते हैं किसान खेतों में काम करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो जब हम इन लोगों द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नेचर और लेवल को कंबाइन करते हैं तो वो एक सिस्टम को रिवील करता है जो ये डिफाइन करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के लोग कैसे अर्न कर रहे हैं तो हम उस सिस्टम को कहते हैं इकॉनमी देयर फोर इकॉनमी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम बाई विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन इकॉनमी फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाई पीपल एंड सेकेंड इज़ लेवल ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाई पीपल सो फर्स्ट इज़ नेचर नेचर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की नेचर ये डिफाइन करती है कि एक स्पेसिफिक एरिया में किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइक like वो एग्रीकल्चरल हैं इंडस्ट्रियल हैं मैन्युफैक्चरिंग हैं ट्रेडिंग हैं किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है वेर इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये डिफाइन करता है कि किस लेवल तक हो रही हैं लाइक लो लेवल हाई लेवल कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किस लेवल तक हो रही है ऑल्सो जो लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो इकॉनॉमी है वो कैसी है वो कोई रिच इकॉनॉमी है डिवेल्प्ड इकॉनॉमी है या फिर अंडर डिवेल्प्ड इकॉनॉमी है नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकॉनमीज द इकानमीज कैन बी क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स फर्स्ट कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान इकानमी सेकेंड फ्री इकॉनमी और मार्किट इकानमी एंड थर्ड मिक्सड इकानमी नाओ द कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकानमी ये वो इकानमीज़ होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरटी सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो कंजम्शन से रिलेटेड हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो नाओ देर आर सम फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी, फर्स्टली जो इकोनॉमिक डिसीजनस हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं सोशल वेलफेयर इज़ द ओनली मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी। सेकेंडली इस इकॉनमी में कंज्यूमर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो डिसाइड करती है कि कौन सी गुड्स इकॉनमी में प्रोड्यूस की जाएंगी लोगों की कंजम्पशन के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उस इकॉनमी में वो कंट्रोल्ड एंड ओन बाय द गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो गुड्स जो बनाए गए हैं वो किस प्राइस पे मार्केट पे सेल की जाएंगी एंड फोर्थली एंड लास्टली द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इकानमीज इज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी ये वो इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे मार्केट फोर्स कंट्रोल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लाइक सप्लाई एंड डिमांड नाउ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर फर्स्टली जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के लिए जाते हैं इट मीन्स द प्रोफिट मैक्सीमाइजेशन इज़ द ओनली मोटिव ऑफ दिस इकॉनमी सेकेंडली कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स खरीद सके थर्डली द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सिस आर कंट्रोल्ड बाई द पीपल और उन रिसोर्सिस का जो सप्लाई और डिमांड है वो डिसाइड करेगा उनका प्राइस

फर्स्टली जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं सेकेंडली कंज्यूमर को पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स मार्केट से खरीद सकता है हा एवर देर इज़ ऑल्सो सिस्टम कॉल्ड पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एंश्योर दैट द सप्लाई इज़ देयर फॉर असेंशियल गुड्स टू द कंज़्यूमर्स थर्डली जो रिसोर्सिस अवेलेबल हैं मार्केट में वो कंबाइंडली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल जो उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है वो उसकी डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है वेयर आर द गमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइज ऑफ द असेंशियल गुड्स एंड लास्टली पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ डोमिनेट द इकनॉमिक एक्टिविटी the indian economy is the biggest example of the mixed economies where the economic activities are governed by the market forces and regulated by the government so it was all about economy and its types if you like this video like comment and share and don't forget to subscribe thank you